दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। एमसीडी चुनावों से पहले माना जा रहा है कि उनका यह ऐलान कहीं ना कहीं दिल्ली में उनकी काफ़ी मदद कर सकता है। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक सरकारी स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया है। हमने देखा है कि किस तरह पंजाब में उन्होंने पीली पगड़ी बांधकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि जनता के बीच में कि उनकी पार्टी देश के लिए काम करने वाली पार्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगत सिंह भी पीली पगड़ी का इस्तेमाल क्या करते थे। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि शहीद भगत सिंह के पैतृक गाँव में जाकर उन्होंने भगवंत मान को मुख्यमंत्री शपथ दिलवाई थी और अपने सभी मंत्रियों को भी वहाँ पर शपथ दिलवाई थी। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार इसी कोशिशों में लगे हुए हैं कि शहीद भगत सिंह के नाम पर थोड़ी राजनीति करके जनता का भरोसा जीता जाए, जनता के वोटों को अपनी तरफ किया जाए, क्योंकि दिल्ली में कुछ वक्त बाद एमसीडी के चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी उन चुनावों में कमर कसकर उतरने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार में वो काबिज है, एमसीडी में भी उनकी सत्ता रहे और एमसीडी में कामकाज उनके हिसाब किताब से हो। हमने देखा कि पिछले काफ़ी वक्त से बीजेपी एमसीडी में काबिज है और लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में खींचतान देखने को मिलती रहती है और इसी खींचतान के चलते हमेशा दिल्ली कहीं पिछड़ जाती है। तो दिल्ली के भले के लिए अब देखना यही होगा कि आगे आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता किसको चुनती है, आम आदमी पार्टी को जो अभी भी शहीद भगत सिंह के नाम पर राजनीति कर रही है, या फिर दोबारा बीजेपी को, या फिर कांग्रेस को इस वक्त मौका दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।